गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:59 इन द मॉर्निंग और हम लोग अभी है ऑडिटोरियम के बाहर। बाकी सब आ रहे हैं, अवधूत और चैतन्य का वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी आने वाला है और उन्होंने कहा कि वो लोग जूही नगर आ चुके हैं और तब से 10 मिनट हो गए। वैसे झूठ बोल रहे थे ऐसे लग रहा था मुझे, पढ़ाएंगे भाई, सब्र करना पड़ेगा मुझे। बहुत एक्साइटमेंट में हूँ और खुशी हो रही है कि हो रहा है हमारा, एक्चुअली हो रहा है हमारा ट्रेडिशनल डे। बहुत कठिनाई का सामना कर जाना पड़ा, आपको मैं स्टोरी बताऊँगा बट इसके बाद। आ गए बंदे हमारे, घुसना बंद नहीं किया मैंने। हाँ, कैमरा में घुसना चालू रहता है। ये देखो ब्लैक मास्क, लवर ऑफ होम, एस्थेटिक बनना है साले, एस्थेटिक बनना है। ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग का थोड़ा सा बात करना है, इम्पोर्टेंट सा, कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, पूरा आइडिया नहीं है मेरे को भी। ये लोग मेरे को बताएंगे, हाँ उसके ऊपर पूरा बात करेंगे और फिर ही आगे का प्रोग्राम होने वाला है। चीट्स पढ़ने वाले काम चलो, चीट्स रिपब्लिक रिएक्शन के तो। हां रिपब्लिक रिएक्शन के तो। एंड मी आज किसी ने तो लिखा है वी आर द बेस्ट, बात खत्म। एनी गेसेस किसने लिखा है किसके लिए? अभी अवधूत के लिए लिखा है किसी ने कि अवधूत ने गद्दारी कर दी। किसी ने लिखा है झुंड में तो सुअर आते हैं, शांतनु अकेला आता है। आप लोग बताओगे। किसी ने लिखा है यू आर माई किटकैट ब्रेक विद अ हार्ट। Our batch is blessed with an excellent leader. कोई ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ रोहित का एडमिशन फर्स्ट ईयर में कर दो। चांदी आणि शांतनु काय सीन आहे? एक और एक मैसेज है टीम रिवाइव के लिए, वी लव यू टीम रिवाइव एंड स्पेशली अजान। ये काका 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 बोलती है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गरीब। ट्रेडिशनल डे एकदम खतरनाक गया, मजा आया। उस टाइम के बाद डायरेक्ट मैं आपको अब भी मिल रहा हूँ क्योंकि इतना फोटो सेशन वगैरह का काम हो गया, इतना फोटो सेशन हुआ जिसमें टाइम ही नहीं मिला।
अभी है डीजे नाइट एंड स्टैंड अप कॉमेडी, ऐसे है प्रोग्राम, तो वो अटेंड करने के मैं जा रहा हूँ। घर पे जाके फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं घर पे जाके आया, इट 19:40, 7:40 हो चुके हैं। यहाँ पर चैतन्य वेट कर रहा है मेरा, चैतन्य है और सौरभ है, वो दोनों भी मिलने वाले। मैं आधा घंटा लेट हो गया क्योंकि पापा का एक काम था, तो मेरे को करना मैंडेटरी था, तो वो करने के बाद तो मैं निकला हूँ। इधर स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी, प्रणीत आ रहा है, प्रणीत। पूछा बेटा मम्मी है घर पे, बोलते है नहीं आंटी मम्मी तो नीचे गई है, एक्चुअली तुम्हारे भाई की कंप्लेन कर रही थी। अरे आंटी आप अंदर तो आओ, आप बैठो, मैं मम्मी को ढूंढ के लाता, हराम को जाके मम्मी को ढूंढ के लाए। अब आंटी में झगड़ा भी थी नहीं, आंटी ने सीन नहीं क्रिएट किया, आंटी ने बोला देखो ये बच्चे ना जब मैं घर पे नहीं रहती कभी फोन करते, फिर मेरी आवाज सुनते रख देते, तो आप इनको थोड़ा समझाओ। तो मेरी माँ भी भड़क गई, मेरी माँ ने बोला आप बिल्कुल चिंता मत करो, उसको घर आने दो, उसको मैं ठीक कर दूंगी। ये बोल के आंटी जब जाने वाली थी, जाते जाते आंटी ने एक पैसिव अग्रेसिव सेंटेंस बोला, आंटी ने बोला देखो हम अच्छे करके इसलिए मुंह से बात कर रहे। तो मेरा भाई पूछता नहीं तो आंटी कहां से करते हो आप? मैं मैटर को दबा देते, मैंने मम्मी को बोला आप जो भी चीज बोलोगे ना मैं सारी मानूंगा, सिर्फ आप डैडी को मत बता मैंने क्या सीन। तो मम्मी ने बोला ठीक है तुझे रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और मैं 8 घंटे ऐसे मैं आईटी पहुंच जाऊंगा। बट मैंने डिग्री डन कर ली, 6 बजे मैं पढ़ाई करने बैठा, 8 बजे डैडी आते थे, 8 बजे तक मेरी इज्जत से पढ़ाई गई, 8 बजे डैडी आए, बेल बजी, डैडी ने घर में पहला कदम रखा और मेरी माँ का पहला डायलॉग देखो तुम्हारी औलाद क्या गुलगुला क्या आई है। और मैं सदा डील हो गई थी ना हमारी, मैं तो ऑलमोस्ट कोटा पहुंच गया था, वो तारी जमीन पर मैं दर्शी का विश्वास टूटता है ना, वैसे मेरा तशरीफ और विश्वास दोनों टूटने वाले थे, क्योंकि मैंने मेरे बाप को देखा, मेरा बाप भड़क गया, उसकी आंखें ऊपर जाने लग गई, मैं बोला यहां डेकर बन रहा है। होने के बाद रैप, तो लाइट लाइट वापस से डीजे का चेंज भाई, रैपर रक्त चरित्र लिखने आता करेगा पाप सर्वनाश प्रणय है वीर काल काल को है त्रिकाल बुद्धिमान शक्तिमान तोड़े मौत माया का सर कटे सर्वनाश मंजिलों पे हो प्रयास ईर्ष्या करती है विनाश जिसके मन में होता पाप त्रिशूल के तरह ये लेख ही अचानक तेज चाप से ये बोल तांडव का डंका नाद ये भस्म है जो आंखों में ये भोले का श्रृंगार अहंकार का हो कामना ईश्वर से ये प्रार्थना होगा मेहरबान हिसाब पटत नाही मी बोलतो काय समजत नाही कारण मी बोलतो पटणार नाही।
चलो हो चुका है खत्म, हो चुका है, घर पे जाओ अपने वहां पे, चलो जाओ। हाँ हाँ सब लोग निकल रहे हैं, अपना हीरो देखो कैसे फुल नाचा हुआ है। हाँ हाँ धूलस धूल है भाई, धूल ही धूल है, मेरे को लगा ब्लर है, पहले धूल है। ये देखो सेल्फी पाई है पूरा।